रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात के 112वें संस्करण का आयोजन भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में नगवा रोड पर स्थित ब्लिस गेस्ट हाउस विद्युत स्टेशन के पास रविदास पार्क के समीप सुनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बार मन की बात कार्यक्रम के 112वें संस्करण का संचालन किया। संबोधन में मोदी जी ने भारत में बाघों के संरक्षण, खादी की रिकॉर्ड बिक्री पर जोर देते हुए इस बारिश के मौसम में एक वृक्ष माँ के नाम अथवा माँ के साथ जैसे अभियानों के जागरूकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री जी ने आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर MyGOV.in तथा विभिन्न माध्यमों से सुझाव मांगे तथा आश्वासन दिया कि अधिकतर अच्छे सुझावों को आगामी मन की बात में प्रचारित करने का उन्होंने आश्वासन दिया। अंत में निकटस्थ आने वाले सभी त्योहारों के निमित्त बहुत बहुत बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि धीरेन्द्र शर्मा, नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू धन्यवाद मिठाईलाल यादव ने किया। मन की बात कार्यक्रम का 112वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने मैथ के युवा साथियों के साथ वार्ता के साथ साथ एक वृक्ष माँ के नाम का भी उल्लेख किया आज की मन की बात कार्यक्रम में, तथा खादी की बिक्री में एक रिकॉर्ड जो देश का रुझान देखने में आ रहा है कि 1.5 लाख करोड़ तक की उसकी बिक्री पहुँच रही है, जिसका भी जिक्र किया। और अगस्त के महीने में एक सेल्फी तिरंगे के साथ उन्होंने इसके लिए प्रेरित किया लोगों को, तथा खादी खरीदने के अभी लोगों से आग्रह किया कि हम खादी के साथ साथ अपनी देश की भावना के साथ जुड़ने का काम करें। इसी के साथ हमने 112वें संस्करण मन की बात कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजन किया।